जयपुर से हैं आबिदा, स्वागत है आपका। मेरा ना 8 साल पहले लड़की हुई थी, तो मेरा ना जब से ना लड़की हुई है, ऑपरेशन से हुए हैं दोनों बच्चे मेरे, तो जब से मेरे तो ना एक तो पैरों में जला नस दब गई कमर की, और ना कमर की नस दब गई ना मैंने मेरे पैरों से सही चला भी नहीं जाता, तब तली से नसें खींचती है मेरी, ठीक है। और ना जलन देती है कमर में, पसलियों में जलन देती है, पैरों में जलन देती है, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं 8 साल से। तब अबिदा कितनी जब उम्र है डॉक्टर आपकी? की जी मेरी 40 है जी, मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन मैं दवा लेती हूँ मेरे सूजन आ जाती है बदन पे, मुंह पे सूजन आ जाती है, और बीमारी मिट मेरी दवा ले 8 साल से दवा चल रही है मेरी, लेकिन अभी तक सही नहीं हुई। ठीक है अबिदा, देखो मैं यही बात कह रहा था कि ये दर्द अक्सर महिलाओं को ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है, और वो कोई डॉक्टर नहीं छोड़ते, कोई फिजियोथेरेपी नहीं छोड़ते, और सब तरह की दवाइयाँ सारी पैतियाँ खाते हैं। देखिए आपदा, आपने अभी तक बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज लिया है, बड़ी बड़ी मशीनों से चेकअप कराया है, और ये नाचीज़ तो बहुत मामूली है। मेरा मशवरा अगर आप माने तो गौन सिया असली ले लें। सिया मतलब काला, काले को सिया कहते हैं हम लोग। गौन सिया नकली बहुत मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी आपकी है। और बच्चा देखो, सिर्फ 100 ग्राम खरीद लो, 15 रुपये में, 16 रुपये में आता है 1 ग्राम, ये एक दिन का खर्चा है। कहाँ 8 साल से आप तकलीफ में हैं, तो मुझे 8 दिन दे दीजिए, बस उस पर आपको इत्मीनान आने लगेगा। ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना दे दीजिए, बहुत ज़्यादा तो 3 महीने दे दीजिए, बस काफ़ी है। दो तीन बातें करें, गौन सिया असली लें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, एक छोटा चम्मच में बालाई मलाई जिसे कहते हैं ना, उसमें मिला लें इसका पाउडर। ये रॉ मटेरियल कच्ची दवा है, और उसमें मिला के जल्दी से खा के दूध पी लें, पानी पी लें, खाने के बाद खाना है। और ऐसे ही आधा ग्राम रात को, आधा आधा ग्राम 2 बार खाना है, ये 1 दिन का आपका हो गया। और ये 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाता कि ऐसे मरीज अच्छे हो जाते हैं, बशर्ते वो ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, ज़रूरी है, शर्त है ये, और मेहनत का काम। जैसे झाड़ू पोछा आपके लिए मना है जब तक इलाज चल रहा है, इलाज के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। इलाज के दौरान वजन ना उठाएं और झाड़ू पोछा भी ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, और खड़े खड़े सब काम कर सकते हैं आप, जो किचन के काम हैं। आपको भरोसा होना चाहिए कि इससे ऊपर वाला फायदा देता है। इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। एक तो ये कि अभी हाल फिलहाल में जो आप ताकीद कर रहे थे, अगर कोई तकलीफ में हो और गोंद सिया खा रहा और काम करना भी अगर मजबूरी हो तो इस सूरत में क्या करा जाए, पहला सवाल तो ये है। जी ठीक है। और दूसरा ये है कि जो गैंगरिन वाले को जैतून का सिरका दे रहे थे और दे रहे हैं हम, उसमें अदरक लहसुन नींबू का रस मिला के दे दिया जाए तो कोई नुकसान होंगे क्या उनको? दूसरा ये है। और तीसरा मेरा ये पूछना चाहता था मैं आपकी, कलौंजी सौंठ और अलसी का जो नुस्खा बनाते हैं शहद के साथ में, इसमें कुछ और मिलाया जाए कि बस इसके लेते हैं, बस 3 सवाल हैं। नुस्खे में आंवला मिला सकते हैं पाउडर बनाकर, और ये एक अच्छा नुस्खा है, बड़ा कामयाब नुस्खा है। जिन लोगों को बनाना हो तो इसमें ये मिला सकते हैं। वैसे तो गौन मोरिंगा भी मिला सकते हैं और बेहतर करने के लिए, लेकिन ये 4-5 चीज़ें ही काफ़ी होती हैं। और गैंगरिंग वाले मरीज़ को, जिसने जिन्हें भगवान ने फ़ायदा दिया, उनको अदरक लहसुन और नींबू भी मिलाकर इस्तेमाल कराया जा सकता है, ये और अच्छा फ़ायदा भी कर सकता है, और बहुत ही भगवान का आशीर्वाद है उन पर, जो उनको मेरे मशवरे से, आपके कोशिश से भगवान ने फ़ायदा दिया। मेरी तरफ से उन्हें बहुत मुबारकबाद दीजिए। और क्या सवाल है? गौन सिया अगर कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है और काम पे जाना है। ठीक
हाँ देखिए, मजबूरी तो भगवान भी देख ही लेता है, बल्कि भगवान ही देखता है मजबूरी तो। कुछ लोग ऐसे मजबूर हैं जिन्हें काम करना ज़रूरी है, लेकिन मैं काम करने को कभी मना नहीं करता, मैं मेहनत के काम को मना करता हूँ, जिससे हमारी कमर के डिस्क पर या जोड़ों पर असर पड़ता है। बैठकर काम कर सकते हैं, चल फिर कर काम कर सकते हैं, वज़न उठाने से उसमें फिर ये हो जाता है कि जो फ़ायदा 3 महीने में होना होगा वो 6 महीने भी ले सकता है वो मरीज़। तो फिर शिकायत ना करें। और देखिए, भगवान तो बड़ा कार्य करने वाला है, वो हर शख्स की, आपकी, मेरी, सबकी मजबूरी समझता है, वो गरीबों को जल्दी फ़ायदा भी दे सकता है जी।